देखिए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्र और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री, प्रवक्ता श्री बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा ट्वीट करके #कालीचरण को रिहा करो की मांग करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कालीचरण के महात्मा गांधी के अपमान के पीछे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंट के रूप में कालीचरण देश भर में घूम के राष्ट्रपिता का अपमान कर रहा है, देश की सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का काम कर रहा है। इसके पहले भी कालीचरण के जैसे ही साध्वी प्रज्ञा और भारतीय जनता पार्टी के दो तीन सांसदों, जिसमें साक्षी महाराज भी शामिल है, इन लोगों ने नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन किया था और भारतीय जनता पार्टी ने इन सबको प्रश्रय दिया। कालीचरण भी उसी की एक कड़ी है। कालीचरण जो यहाँ छत्तीसगढ़ आया था, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे आया था। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लगातार सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का काम कर रही है, झूठे धर्मांतरण के मुद्दे को हवा दे रही है। तो उसी विषय को और उठाने के लिए और धर्मांतरण के सांप्रदायिकता के विषय को हवा देने के लिए कालीचरण को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बुलाया था, यह स्पष्ट हो गया। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कालीचरण भाजपा और आरएसएस का एजेंट है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थन में सामने आ रही है, वो चीज़ें अब खुल के साथ स्पष्ट हो गई कि कालीचरण भाजपा के इशारे पर यहाँ आया था। महात्मा गांधी का अपमान करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और उसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास दरिद्र है और भारतीय जनता पार्टी अपने दरिद्र इतिहास को छुपाने के लिए कालीचरण जैसे लोगों का सहयोग करके राष्ट्रपिता को अपमानित कर रही है। यह अपमान सिर्फ महात्मा गांधी का अपमान नहीं है, यह अपमान उन हजारों हजार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है जिन्होंने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों के बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी को जेल की सलाखों के पीछे खपाया, ऐसे लोगों का अपमान है। दरअसल कोई भी आपको आरएसएस का पदाधिकारी, भाजपा का पूर्व नेता, कोई भी आपको देश की आज़ादी में योगदान करते हुए नहीं दिखाई देता है। भाजपा को यही चिढ़ है महात्मा गांधी से, इसीलिए वे गांधी जी की चरित्र हत्या करने लगे हैं।